अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अक्सर टू के सितारों के साथ क्या कुछ हुआ शूटिंग के दौरान और जब फिल्म रिलीज होने वाली है, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है गौतम रोड़े, जरीन खान और अभिनव शुक्ला। तीनों से जानना चाहेंगे कि अक्सर क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में होता रहा है जो ना चाहते हो और वैसा होता रहा है। अक्सर ना चाहते हो, अक्सर बहुत बढ़िया काम करना चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो जैसे ये फिल्म करते हुए अक्सर बहुत मज़ा आया, तो अक्सर करते हुए अक्सर बहुत अच्छा अच्छा लगा। कुछ समझ में आया गौतम ने क्या कहा? अक्सर वो क्या बोलते हैं, वो अक्सर मेरे सर के ऊपर से चढ़ा जाता है। समझना मुश्किल, घुमाते रहो। बाकी आप बोलिए, मैं ही बोलते रहूँ आपकी बारे। अक्सर मेरे साथ ये होता है कि मैं कहीं टाइम पे पहुंचने की बहुत कोशिश करती हूँ, बट मैं लेट हो जाती हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और अक्सर मैं टाइम पे पहुंच जाता हूँ, चक्कर ये है। सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूँ और अक्सर मुझे रुकना पड़ता है ना मैडम? आपकी बारी। Okay, your turn. आप पंक्चुअल हैं और वो लेट लतीफ है, ये कहना चाहिए। मैं पंक्चुअल हूँ, बट इट्स जस्ट लेट हो जाते मेरे हालात, मुझे हालात रोक देते हैं आने से, मगर हमारे हालात पता नहीं अक्सर हमें आने देते, पता नहीं कैसे हम कांदी मिली से आ जाते हैं बैंड्रा, मगर बैंड्रा से बैंड्रा आने में बात करूं, ये हम ऑफ कैमरा सॉर्ट करेंगे, यहाँ पे कलेश हो गए अभी। अक्सर जो मैं चीजें प्लान करता हूँ कि ऐसे प्लानिंग करेंगे 2 महीने में 3 महीने में, अक्सर वो चीजें प्लान थोड़े पुश हो जाते हैं और डिलेज आ जाते हैं। सो अक्सर वो लाइफ में होता है, जो चीजें हैं वो वैसे नहीं जाती जैसे प्लान की होती हैं। हम सबकी लाइफ में एक्चुअली ऐसा ही होता है कि जो जो प्लान करते हैं, इसलिए प्लानिंग करना बेकार है। प्लान करे कोई फायदा नहीं, एक्सपेक्टेशन रख के कोई फायदा नहीं है। तो अक्सर एक काम किया करें कि जितनी एक्सपेक्टेशन अक्सर हम कम रखें, वो हम सबके लिए अच्छी होती है। हर लाइन में अक्सर मतलब बहुत ज्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं अब। आपने बुलवाया क्वेश्चन से पूछा, हमने कहा चलो मौके पर चौका मारो, कर लिया हमने, तो हमारा तो काम ही यही है। अच्छा, फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जो है मॉरिशस में हुई है, पहले काफी फिल्में वहां शूट की जाती थी, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉरिशस में शूट करने का और क्या कुछ किया शूटिंग के अलावा वहां पर? जो टाइम पे हम लोग गए थे तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो बहुत मुश्किल हुई शूट करने के वक्त, क्योंकि जब हम ये गाना शूट करते जाना वे, हम पूरा दिन बीच पे थे, द सन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आई रिमेंबर बाई द एंड ऑफ द डे वी वर एक्चुअली बर्न, द स्किन वॉज बर्न, के खुद का भी हाथ लग जाता था तो वो जलता था, तो इट वॉज डिफिकल्ट शूटिंग दैम, बट जब ये रिजल्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो इट्स ऑल ग्रेट। मेरे लिए दो इंस्टेंसेस तो बहुत ही कमाल के थे। मेरा तीसरा चक्कर था वहाँ, पहले मैं तीसरी बार गया था। पहले तो वहाँ सरस्वती चंद्र बहुत देखा जाता है, और जहाँ जाओ कहीं पे भी जाओ, शूटिंग पे करो, मॉल पे जाओ, कॉफ़ी पीने, खाना खाने, सरस 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 इतना सुन लिया था कि मैंने कहा भैया ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, जैसे 2-3 जगह और पहले भी बोल चुका, मेरे जूते चोरी हो गए थे मंदिर से, तो मैं मंदिर गया था वहाँ मॉरिशस में, और जब नीचे उतरा तो जूते गायब, तो वहाँ से जब मैं मॉल गया नंगे पैर, तो वहाँ पे मॉल पे चल रहा हूँ जूते ढूंढने के लिए, वहाँ पे ये सरस चाहिए, सरस चाहिए, सर जब एक जूते तो खरीदने दो, मगर वो सब चल रहा था। तो ये दो इंस्टेंसेस रहे, थोड़े अच्छे भी और थोड़े ऊपर नीचे वाले भी, मगर ऑल इन ऑल ट्रिप बहुत अच्छा था, जगह बहुत खूबसूरत है, शूटिंग बहुत अच्छी गई। और इससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि गौतम रोड़े ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि सिर्फ जो जूते चप्पल है भारत के मंदिरों में ही चोरी नहीं होते हैं, मॉरिशस में भी होते हैं। अरे मेरे नहीं हुए किया खुलासा, अरे मेरे यहाँ हुए नहीं, मैं तो प्रैक्टिकली रोज ही मंदिर जाता हूँ, मेरे यहाँ कभी नहीं हुए, लाइफ में नहीं हुए, मॉरिशस जाके हो गए एक ही बार। मैडम कमाल कर दिया आपने, ये निकाली ये बात, लाखों में बिके होंगे फिर वो, पता करना पड़ेगा इसके बाद। मैंने नहीं चोरी की है जो दैट यू लुकिंग एट मी, मुझे नहीं आएंगे आपके जूते, मेरे पैर आपसे बड़े हैं। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, एक और इनके पैर मुझसे बड़े हैं। एक और खुलासा। आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जैसे गौतम के साथ? हमारा फर्स्ट या सेकंड डे ही था मॉरिशस में, और एक सीन शूट करना था जो इन द मिडल ऑफ मार्केट एरिया, जो बहुत बिजी एरिया था वहां पे था,
तो वहाँ पे बहुत सारे क्राउड जमा हो गए एंड शूट करने में दिक्कत हो रही थी बिकॉज दे वर नॉट लिसनिंग, वो लोग नहीं हट रहे थे. और उसके बीच में आई थिंक एक थोड़ा सा क्रेजी फैन, थोड़ा क्रेजी फैन नहीं था, द पर्सन वॉज क्रेजी, ही वॉज अ लिटिल या ही वॉज अ लिटिल आई थिंक क्रेजी बिकॉज उसको बोल रहे हैं हटो तो वो हट नहीं रहा है, वो आनाकानी कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन ही जस्ट केम एंड ही वो हाथ कुछ इतना बैग में डाला एंड आई वॉज लाइक अभी क्या मतलब क्या हो रहा है. एंड मेरा क्रू मेंबर जो आजू बाजू थे वो लोग उसको कुछ कर भी नहीं रहे एंड ही जस्ट पॉइंटेड आउट अ गन लाइक दैट एट मी. आई एम लाइक ओके, मैं तो छोटी सी दुआ हुआ पढ़ ली के ओके. दोनों हीरो कहाँ थे जब आपके ऊपर? ये दोनों नहीं थे, हीरो अक्सर बचाता है हीरोइन को. नहीं पर मेरे उस दिन ये दोनों नहीं थे. मैं उसको डिसआर्म कर देता. ये मंदिर गए थे और ये कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने? नहीं ये तो था ही नहीं, तभी आया ही नहीं था. एंड आई एम लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग, आई एम लुकिंग एट माय एवरीबॉडी स्टंट के ये हो क्या गया है. एंड देन व्हेन और फिर उसने जब वो चलाया तो वो नकली थी और उसमें कुछ नहीं था. बट फॉर वन मोमेंट आई थॉट कि दिस इज इट फॉर मी. और बहुत बुरा भी लगता अगर मैं वैसे मर जाती तो इट वुड हैव बीन अ वेरी फनी डेथ ना, किसी को भी बोलते तो कितनी हंसी आती कि मैं कैसे मरी. बट थैंक गॉड, थैंक यू गॉड. और खुलासा किया है जरीन ने कि इन पे बंदूक तानी गई थी लेकिन इनकी जान बच गई है इसलिए ये इंटरव्यू दे पा रहे हैं. ऐसा कुछ आपके साथ कुछ वियर्ड सा? मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए. कुत्ते थे या नहीं कुत्ते थे? कुत्ते बोल रहे हो? एक दिन थोड़ा सा टाइम वक्त मिला कुछ 2-3 घंटे तो मैंने कहा मैं जॉग करके आता हूँ. तो आई डोंट लाइक जॉगिंग ऑन द ट्रेडमिल एंड ऑल. सो मैं बाहर चला गया सड़क पर और मैं भागते भागते एक वो गांव से मैं चला गया, उधर गली सी थी तो उधर वो 5-6 कुत्ते आ गए थे करते. उन्होंने पहली बार शायद किसी को शॉर्ट्स में देखा होगा नाइकी के भागते हुए. तो मैं थोड़ा दूर भागा, वो मेरे पीछे पीछे आए तो देन एक वो वहाँ का लोकल था उसने उनको भगा दिया. तो जरीन ये बताइए कि इस फिल्म में जो आपका किरदार है किस तरह का किरदार है? हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी पसंद किया जा रहा है, काफ़ी बोल्ड भी है. एक बोल्ड अवतार हमने हेट 3 में भी देखा था. क्या आपको लगता है कि आप टाइपकास्ट भी होती जा रही हैं? नहीं यार, आई मीन मुझे पता नहीं कि मुझे क्यों बोल्ड बोला जाता है क्योंकि अगर मैंने बीच पे वो गाना किया है जाना वे, मैं तो पूरे कपड़े पहन के डेनिम शॉर्ट्स और ऊपर एक गाउन पहन के किया है. दूसरी हीरोइन ने बिकिनी पहन के पानी से बाहर आ रही है फिर भी मैं बोल्ड हूँ, तो ये तो समझ में नहीं आता मुझे. और जहाँ तक कि मेरे किरदार का सवाल है, मैं शीना प्ले कर रही हूँ इस फिल्म में. वो एक ऐसी लड़की है जिसे लगता है कि ये पार्टिकुलर जॉब मिलने से उसकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी, बट होता उल्टा है कि इस जॉब की वजह से वो और भी ज्यादा परेशानियों में फंस जाती है और एक पॉइंट आता है वेयर देयर इज नो वे आउट. अक्सर किसी हीरोइन को एक साथ पर्दे पर दो हीरो को रोमांस करने का मौका नहीं मिलता है, आपको वो मौका मिला है, क्या कहेंगी? आई कॉल माई सेल्फ लकी. नहीं बट मैं दो लोगों को नहीं, मैं सिर्फ इनको रोमांस कर रही हूँ पिक्चर में. इनके साथ मैं क्या कर रही हूँ वो आप फिल्म में पता चलेगा, वो मैं बता नहीं सकती. बट नो, आई एम ओनली रोमांसिंग हिम इन द फिल्म. ट्रेलर में देख के लग रहा है कि ये जबरदस्ती रोमांस करने की कोशिश कर रहा है. देखिए ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हम नहीं देना चाहेंगे मगर हम फिर भी देंगे क्योंकि हम बोलते हैं. मैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर का किरदार प्ले कर रहा हूँ जिसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और उसे लगता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएगा, मगर जब वो सिचुएशन में उस गेम में घुसता है तब उसे समझ में आता है कि यार ये इतना इजी नहीं है और जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं. तो विलिंगली अनविलिंगली उसे वो गेम खेलनी पड़ती है और शुरू में उसको लगता है कि वो सब संभाल रहा है, सारे किरदारों को संभाल रहा है, मगर बाद में समझ में आता है कि सब उसी को संभालने के चक्कर में बैठे. सो जैसा है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा है नहीं. मैं फिर कंफ्यूज तो नहीं कर रहा आपको? बिल्कुल नहीं. वेरी गुड, नाइस, आई लाइक इट. आपकी बारी मैडम, बोलिए. मैं क्या बोलूं, मैं तो बोला ना कि मैं बारी और बोलिए, आपसे पूछना चाहेंगे. मैं सिर्फ इसको रोमांस कर रही हूं, मैं सिर्फ इसको रोमांस कर रही हूं, इसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं. बोल दो तुम, बोल दो. शुक्ला जी, शर्माने की बात नहीं. शुक्ला जी अच्छा लगा, शुक्ला जी सुन के ऐसे दफ्तरी बाबू वाली फीलिंग आती है मुझे कि मैं किसी उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एक एम्प्लॉई हूँ, खाने का डब्बा लेके बैठा हूँ. तो ये थे हमारे साथ अक्सर 2 के सितारे गौतम, जरीन और अभिनव. इन तीनों ने हमसे खुलकर बात की फिल्म के बारे में और बताया भी कि किस तरह की मस्ती हुई शूटिंग के दौरान भी. और तीनों को उम्मीद है कि फिल्म दर्शकों को काफी पसंद आएगी. कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई. ये है ABP News, आपको रखे आगे.